गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब्जेक्ट हमारा ईवीएस, चैप्टर 7, चैप्टर नेम है अवर क्लोज। हाफ लेसन हमारा रह गया था, सो आज हम करने जा रहे हैं लुक हियर। हाउ क्लोज आर मेड, कपड़े कैसे बनते हैं। कॉटन क्लोज, सूती कपड़े। वी नो दैट कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम जानते हैं कि कपास हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है। कॉटन इज स्पन इनटू यार्न, स्पन का मीन्स होता है कातना, यार्न का मीन्स होता है धागा, थ्रेड मीन्स भी धागा होता है, यानी कॉटन को कात कर धागा बनाया जाता है। द यार्न इज देन यूज टू मेक क्लोथ ऑन ए लूम, लूम का मीन्स होता है करघा, करघा पर कपड़ा, यानी कि जो यार्न है, धागा है, धागे का उपयोग करघा पर कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। दिस इज कॉल्ड वीविंग, इसे बुनना कहते हैं। वुलन क्लोथ, ऊनी कपड़े। वूल इज द सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप, ऊन क्या है, भेड़ों के कोमल और घने बाल हैं। इट इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ, इसका प्रयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लाइक स्वेटर एंड शॉल्स, जो सर्दियों में आप डालते हैं, स्वेटर्स डालते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कार्डिगन्स कहते हैं, शॉल्स होगी। शीप हेयर आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, जो भेड़ों के बाल हैं उनके शरीर से हटा दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, उनको हम क्या कहते हैं, काटना कहते हैं। देन इट इज क्लीनड एंड स्पन इन टू वूल, फिर उन्हें क्या किया जाता है, उस ऊन को, उनके जो मतलब शिप हेयर हैं उनको साफ किया जाता है, फिर उसको हम किस में बदल देते हैं, ऊन में बदल देते हैं, वो फिर इसे साफ करके ऊन में बदल दिया जाता है। दिस वूल यूज टू नीड स्वेटर एंड अदर वुलन क्लोथ, तब जो ऊन का उपयोग है स्वेटर बुनने के लिए और दूसरे कपड़ों के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे शिप पिक्चर में देखिए, शिप हेयर, वूल एंड वुलन क्लोथ। आगे आ जाइए, सिल्क क्लोथ। सिल्क वार्म फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स, जो मतलब रेशम का कीड़ा है, मलबेरी लीव्स होते हैं, शहतूत के पत्ते पर पलता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म कोकून, अब क्या है, हमें जो सिल्क है कहां से प्राप्त होती है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। सिल्क थ्रेड इज मेड फ्रॉम कोकून, जो रेशम का धागा है वो कोकून से बनता है। यहां देखिए, सिल्क वार्म रेशम का कीड़ा, कोकून थ्रेड और क्लोज। ये लेसन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओनली वन ही क्वेश्चन रह गया है, सो आज हम आपको ये देंगे। आपको नोटबुक पे राइट भी करना है, लर्न भी करना है, पूरा लेसन आपको लर्न करना है, और फिर हमने आपको उसका क्या लेना है, टेस्ट लेना है। ओके।